भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने के क्रम में काला ढूंगी में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। काला ढूंगी के रामलीला मैदान में लगाए गए इस शिविर का शुभारंभ काला ढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने किया। इस शिविर में सभी महत्वपूर्ण विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा और स्वास्थ्य शिविर में अपनी जाँच भी कराई। इस दौरान समाज कल्याण विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग, स्थानीय प्रशासन सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए तथा मौके पर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना। कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने बताया कि देश के हर विधानसभा क्षेत्र में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर बहुउद्देश्यीय शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे जनता को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सुविधाएं मिल सके। इसी क्रम में कालाडूंगी के रामलीला मैदान में यह शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें फरियादी दूर दूर से आकर लाभ ले रहे हैं। कालाडूंगी से मुकेश छमवाल की रिपोर्ट। विधानसभा के हमारे छायाकार, हमारे सभी साथी जो अनवरत यहाँ पर बने रहे हैं और अपने इस के आज कालाडूंगी के रामलीला ग्राउंड में और देश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसके उद्देश्य है कि आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर जनता को कुछ सुविधा मिले इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाए गए हैं। आज यहाँ कालाढूंगी में भी बहुत अच्छा बहुउद्देशीय शिविर है और सभी चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर हैं, तो मैं समझता हूँ इसका लाभ जनता ले और उसका आनंद उठाए।